सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सीडीज कार, जहाँ कार्स और बाइक के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमें टाटा मोटर्स के बारे में। तो टाटा मोटर्स ने यहाँ पे टियागो का यहाँ पे नया वेरियंट लॉन्च करने जा रही है, और जो नया वेरियंट होने वाला है वो होगा स्पोर्ट्स में। टाटा टियागो का यहाँ पे नया वेरियंट यहाँ पे लॉन्च होने वाला है स्पोर्ट्स में। आज हम जानेंगे इसी के बारे में कि इसके क्या जो भी न्यूज़ निकल के आया, हम जानेंगे उसी के बारे में क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होने वाली है, और यह कब लॉन्च होगी, और ये कितने प्राइस में हमें मिलने वाली है, और यहाँ पे जानेंगे इसके एक्सटीरियर क्या होने वाला है, इंटीरियर क्या होने वाला है, इंजन क्या होने वाला है, तो सारा कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो जो भी न्यूज़ निकल के है मैं आज आपको यहाँ पे बता देता हूँ। टाटा मोटर्स कुछ ही दिनों में न्यू जनरेशन टियागो NRG कार को लॉन्च करने वाली है। कंपनी की पॉपुलर हैचबैक कार टाटा टियागो का स्पोर्ट्स एडिशन होगा। लॉन्च से पहले टाटा टियागो NRG हैचबैक सेकेंड जनरेशन होगी। बात करें इस कार के एक्सटीरियर की, तो टाटा टियागो NRG ब्लैक, और तो जो न्यू टाटा टियागो का न्यू वेरिएंट है टाटा टियागो NRG, इसमें जो कलर होगा वो ब्लैक और डुअल टोन लुक में होगा। इसके साथ ही कंपनी एक नया मॉडल कलर स्कीम भी पेश कर सकती है, यानी कि एक नया कलर यहाँ पर लॉन्च कर सकती है। टीजर से कार में ब्लैक डोर हैंडल, ORVMs और टेल लाइट्स के ऊपर पीछे की तरफ ब्लैक कोडिंग के भी संकेत मिलते हैं। साथ ही में 14 इंच के अलॉय व्हील्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। टाटा टियागो NRG की इंटीरियर काफ़ी स्पोर्टी होने वाली है। इसके साथ ही इस कार में 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिल सकता है, जो 84 BHP की पावर और 140 Nm की टॉर्क जनरेट करती है। अब बात करते हैं इसकी कीमत की, तो कीमत यहाँ पे अनुमानित कीमत लगाई जा रही है। तो जो अनुमानित कीमत हो सकती है वो यहाँ पे 6.5 लाख और 7 लाख के आसपास इसकी अनुमानित कीमत हो सकती है। टाटा यहाँ पे अपनी पॉपुलर कार टियागो का नया वेरिएंट लॉन्च करने वाली है जल्द ही, और ये पूरा स्पोर्टी होने वाला है। इसका एक्सटीरियर स्पोर्टी होगा, इंटीरियर स्पोर्टी होगा, और इसकी हर चीज़ स्पोर्टी होने वाली है। तो जब ये कार यहाँ पे जब लॉन्च होगी तब काफ़ी ज़्यादा देखने लायक होगी, क्योंकि मुझे भी टाटा टियागो काफ़ी ज़्यादा पसंद है। टियागो और अल्ट्रोज मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और यहाँ पे देखने लायक होगा कि जब ये लॉन्च होती है तब ये देखने लायक होगा इसकी इसका एक्सटीरियर क्या हो सकता है और जो इसका इंटीरियर क्या हो सकता है। वैसे जो भी न्यूज़ में मैंने आपको यहाँ पर बताया कि एक्सटीरियर किस कलर का हो सकता है और इंटीरियर क्या हो सकता है, जो भी था मैंने आज के इस वीडियो में बताया आपको। तो आज के वीडियो में इतना ही। कार्स और बाइक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करो। सो कैसे लगे वीडियो, अच्छी हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं इस वीडियो नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बी हैप्पी।